हेलो एवरीवन, देखिए अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में सम इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स। सो सबसे पहला देखो इफेक्ट हम देखेंगे, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर हम बढ़ाते रहेंगे तो फोटो करंट भी बढ़ता रहेगा। जैसे आपको याद होगा अभी जो हमने ग्लास ट्यूब बनाई थी इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर ये एक विंडो थी जहाँ से लाइट पास हो रही थी, इसमें इस प्लेट पर इस तरीके से फॉल हो रही थी, ठीक है। तो इस लाइट की जो इंटेंसिटी है अगर ज़्यादा होगी तो फोटो करंट भी ज़्यादा ही होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। क्यों? इंटेंसिटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा एमिट होंगे, ठीक है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो ज़्यादा करंट आएगा, क्लियर। तो ये देखो इसका ग्राफ बना हुआ है फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में। देखो ये बिल्कुल लीनियर आ रहा है आपके पास ग्राफ, ठीक है ना, ये लाइन आ रही है आपके पास। देखो इसका मतलब क्या हुआ, एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन फोटो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट मोर, फोटो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे ज़्यादा इजेक्ट होंगे, एंड हैंस मोर विल बी द करंट, और करंट भी ज़्यादा होगा। देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जा रहे हैं इस साइड की, देखो अगर आप तो फोटो करंट भी बढ़ता जा रहा है, समझ में आया ग्राफ। तो आपको याद क्या रखना है, इंटेंसिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो करंट भी ज़्यादा ही रहेगा, क्लियर। सेकंड देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। देखो जब मैंने ये आपको बताया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि प्लेट ए को हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं नेगेटिव भी कर सकते हैं, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, क्लियर। देखो ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये पोटेंशियल के बीच में और फोटो करंट के बीच में है, ठीक है। देखो इसको समझो, यहाँ से समझना पहले, ठीक है। अब पोटेंशियल आपने देना शुरू किया तो करंट ऑब्वियसली बात है क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है, ये सैचुरेट हो रहा है। अब क्या हो रहा है, आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो लेकिन करंट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया अपने एक पॉइंट पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, जिसके बाद आपका करंट नहीं बढ़ेगा, आप चाहे जितना मर्जी पोटेंशियल बढ़ाओ करंट नहीं बढ़ेगा, एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा करंट, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट और सैचुरेशन करंट। अब क्या हुआ, ये तो था पॉजिटिव वाला, जब ए पे पॉजिटिव था, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ए पर। अगर आपको याद हो इसमें, अगर देखो ये वाली सी प्लेट थी, ये वाली ए प्लेट थी, ठीक है, तो याद है ना पिछला डायग्राम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, ठीक है। तो उसमें क्या था आपके पास, यहाँ ए पर अगर हम यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है बैटरी से, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये करंट क्या हो रहा है, बढ़ना शुरू हुआ और एक पॉइंट पे आके क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब क्या हुआ है, आपने इसको ए को क्या कर दिया, नेगेटिव दिया। अब जब आप इसको नेगेटिव दोगे तो ऑब्वियस बात है करंट क्या होगा, कम होना शुरू करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये इनको क्या करेगा, रिपेल करना शुरू करेगा, रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो करंट भी क्या होगा, कम होना शुरू होगा। अब देखो यहाँ इस पॉइंट से कंसिडर करना, इस साइड ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये आपने क्या किया, नेगेटिव बढ़ाना शुरू किया, इस साइड जा रहे हैं, देखो नेगेटिव बढ़ रहा है, और करंट देखो क्या हो रहा है, ये करंट वाली लाइन है, देखो करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो इस लाइन से कंपेयर करो तो करंट ऐसे आ रहा है, और इस लाइन से कंपेयर करो तो ये चीज़ इस साइड बढ़ रही है, तो हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, और एक पॉइंट पे आके एक ऐसे पोटेंशियल पर क्या होगा, करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल होगा जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या हो गया, करंट जीरो हो गया, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है। ए को पॉजिटिव दे रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, करंट बढ़ना शुरू हो रहा है, और एक पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, वो सैचुरेट हो रहा है। फिर हम जब उसको नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो क्या होता है, करंट कम होना शुरू होता है, और एक ऐसे पोटेंशियल पे आके क्या हो जाता है, करंट जीरो हो जाता है, और उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, समझ में आई कहानी। यही बात यहाँ लिख रखी है, देख लो जरा, पढ़ लो क्या कहता है, एज शोन इन द फिगर इफ वी मेक द कलेक्टर प्लेट मोर पॉजिटिव, कलेक्टर प्लेट कौन सी, ये ए वाली जो यहाँ पर बनाई थी मैंने, ए प्लेट, ठीक है, ये क्या होगी, मोर पॉजिटिव होगी, एंड इट विल अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, देयर फॉर द फोटो करंट विल इंक्रीज, और ये करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट इट विल इंक्रीज अप टू ए सर्टेन पॉइंट, लेकिन एक पॉइंट तक ही इंक्रीज करेगा, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर देखो ये ज्यादा होता जा रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और एक पॉइंट तक ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये लिख रखा है, इसलिए इट विल इंक्रीज अप टू ए सर्टेन पॉइंट कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। यहाँ पर देखो आगे लिखा हुआ है, After that photo current will become stable and saturate. उसके बाद क्या होगा, photo current क्या हो जाएगा, stable हो जाएगा, obviously बात constant हो जाएगा and saturate हो जाएगा, ठीक। If we reverse the battery, अब reverse the battery मतलब A पे क्या कर दिया, अब आपने negative कर दिया, पहले positive था, अब A पे क्या हो गया, negative हो गया, that is now the plate A is at negative potential, therefore at certain potential the photo current will become zero, photo current क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, and negative potential is called stopping potential, और यही चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई है, ठीक है ना, यही था। एट सर्टेन पॉइंट क्या हो रहा है, फोटो करंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, और जो नेगेटिव पोटेंशियल पे ये जीरो हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब इसी के ही दो ग्राफ और हैं, ठीक है, इसमें क्या है, हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं इंटेंसिटीज और फ्रिक्वेंसीज के लिए, ठीक है। तो पहला है देखो, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए देंगे, ठीक है, सेम ग्राफ है, यही वाला ग्राफ है, इसको हम दो पार्ट में बता रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले में हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटीज ले ली हमने डिफरेंट डिफरेंट, अब हमें पता है इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, करंट बढ़ेगा, ये वाले ग्राफ से हमें पता है। अब देखो जरा, यही सेम चीज़ है, अब इंटेंसिटी वन के लिए इतना करंट आया, इंटेंसिटी टू के लिए इतना, और इंटेंसिटी थ्री के लिए इतना,
सैचुरेट तो हो रहे हैं, वही सेम चीज है, लेकिन इंटेंसिटी जिसकी ज्यादा है उसका करंट ज्यादा है, इंटेंसिटी जिसकी कम है उसका करंट कम हो रहा है, ये चीज आपको यहां से पता चल रही है, ठीक है। और इस केस में फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रखी है, इंटेंसिटी डिफरेंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है सेम है। तो इस केस में जो इनके जो नेगेटिव पोटेंशियल है जिसपे करंट जीरो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, समझ रहे हो। मतलब ये जो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी आप बढ़ाओ घटाओ जो मर्जी करो करंट तो बढ़ेगा और घटेगा लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है आपका सेम ही रहेगा, इंटेंसिटी चाहे डिफरेंट डिफरेंट हो। तो इससे आपको ये पता चलता है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटीज पे। तो यही चीज यहाँ लिखी भी हुई है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस आर सेम। जब फ्रीक्वेंसी होंगी सेम होंगी इंसिडेंट रेडिएशंस की लेकिन इंटेंसिटीज क्या होंगी डिफरेंट होंगी, फ्रीक्वेंसी सेम लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट, तो ये ग्राफ बनता है। देख रहे होंगे आप सेम यही है पर इसमें हमने क्या किया इसको 3 times बना दिया, ठीक है। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसका करंट ज्यादा दे दिया और जिसकी कम उसको कम दे दिया। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है आपको I3 ज्यादा है I2 I1, मतलब इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी 3 ज्यादा है 2 से और 2 की ज्यादा है 1 से, इसलिए 3 का ज्यादा आया है करंट, क्लियर। लेकिन मेन बात ये समझनी थी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है सभी का क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, क्या इतनी बात क्लियर है। अब इसी में बी पार्ट देख लो जिसमें हम कहेंगे कि इंटेंसिटी सेम कर दो लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट कर दो। तो इस केस में क्या होगा, देखो इंटेंसिटी अगर सेम है तो करंट सेम होना चाहिए। तो यहां पर देख लो करंट क्या हो रहा है इसका, सैचुरेट एक ही पॉइंट पे हो रहा है, सैचुरेशन करंट इन सब का सेम है जिसमें हमने ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए लिया है, μ3 μ2 μ1, म्यू लिखते हैं इस तरीके से फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो 3 वाला जो है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 2 से और 2 की ज्यादा है 1 से, ये चीज लिखी हुई है हमने, ठीक है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा करंट जीरो करने के लिए, कितनी बात समझ रहे हो, ठीक है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसका थोड़ा कम होगा। अब देखो जैसे 1 का कम है तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम पे आ रहा है और 3 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा पे आ रहा है। तो ये चीज आपको समझनी है, मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसीज पे। ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, कम फ्रीक्वेंसी होगी तो कम पोटेंशियल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इंटेंसिटी सेम थी तो देख लो करंट क्या हो रहा है उसका सेम हो रहा है, मतलब सैचुरेशन जो करंट होगा वो सबका सेम पॉइंट होगा। यही चीज यहाँ लिख रखी है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल, करंट और पोटेंशियल के बीच में है। व्हेन इंटेंसिटी इज सेम, इंटेंसिटी सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, इंसिडेंट रेडिएशंस की डिफरेंट है, इंसिडेंट रेडिएशंस आर डिफरेंट, ठीक है, क्लियर। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस आर डिफरेंट, समझ में आया ये ग्राफ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनमें से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है ना, कि इंटेंसिटीज बताओ डिफरेंट हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, या फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे या सेम होंगे, इस तरीके से आपसे बहुत से क्वेश्चन को पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। थर्ड देखो क्या है हमारे पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। अभी अभी हमने बात की थी यहाँ इसमें बी वाले में, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल था डिफरेंट फॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो यानी कि वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आएगा इसका ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ यही आएगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं हम और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा फिर उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। अब ये यहां से क्यों नहीं शुरू किया, देखो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तो हमें चाहिए ही चाहिए जो हम इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो म्यू नोट लिखा है ये होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इतनी तो चाहिए ही चाहिए। तो जीरो से नहीं हम शुरू कर सकते कि जो है जीरो वाली फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए लेंगे हम, ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी तो होती है पर्टिकुलर जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। रेडिएशंस जो होंगी आपकी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो उनके लिए चाहिए ही हमें, क्योंकि वो डिपेंड करेगा उस सी प्लेट पर कि वो किस मेटल की बनी हुई है, ठीक है, समझ रहे हो। तो कितनी फ्रीक्वेंसी की आपको मिनिमम डालनी ही पड़ेगी रेडिएशंस, तो ये है म्यू नॉट कि ये तो इतनी तो देनी ही पड़ेगी, दैट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से शुरू हुआ है अब ये ग्राफ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ, ठीक है। फोर्थ देखो क्या है हमारे पास, करंट एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ। देखो करंट और फ्रीक्वेंसी अगर आप देख रहे हो यहां पर, ये था करंट और फ्रीक्वेंसी, देख लो डिफरेंट डिफरेंट थी, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी थी लेकिन करंट था उनका सेम, सैचुरेशन करंट जो था वो सेम आ रहा था, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, करंट फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है, समझ रहे हो। इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है करंट लेकिन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये देखो यही है ग्राफ, देखो अगेन क्या है यहाँ पर, देखो फोटो करंट यहाँ से स्टार्ट किया हमने, क्यों किया है देखो, अगर आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट हुई है मेन, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो चाहिए आपको, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू हुई, ठीक है, लेकिन करंट उतना ही रहा, करंट की वैल्यू यहाँ कुछ होगी पर्टिकुलर, मान लो 5 एम्पियर, तो ये 5 एम्पियर ही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है लेकिन करंट क्या है सेम है, सैचुरेशन करंट क्या हो रहा है हमारा सेम ही हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी की वजह से करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्लियर, ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। फिफ्थ देखो क्या है, स्टॉपिंग
एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच का ग्राफ है, ठीक है। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटीज के बीच में अगर आप यहाँ देख रहे हो इसमें ए पार्ट वाले में ग्राफ में, इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे थे लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, सेम था, तो यानी कि ये भी इंडिपेंडेंट है इसके, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट के लिए यही बनेगा ग्राफ, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये इंटेंसिटीज, एक पर्टिकुलर स्टॉपिंग पोटेंशियल है मान लो ये हमारे पास, ठीक है। इंटेंसिटी अब बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है लेकिन क्या हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम है, इसमें यहाँ कोई वैल्यू होगी वो तो नहीं चेंज हो रही है, वो तो सेम है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, ये हमें ए वाले ग्राफ से पता भी चला था। ये समझ रहे हो बात को, आ रहे हैं समझ में ग्राफ या नहीं बताओ। उसके बाद देखो ये सिक्स्थ ग्राफ, अब देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पर ही क्यों बना दी कंजस्टेड सी, कि आपको सारे ग्राफ को क्या करना था, डिफ्रेंशिएट करना था और आपको बताना था कहाँ से क्या चीज़ पता चल रही है, ठीक है, इसलिए यहीं पर ही बना दिए, ठीक है। अब ये देखो सिक्स्थ क्या है हमारा, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ बिल्कुल सेम रहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ था, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा रहे हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी, क्लियर है। सेम चीज़ यहाँ पर देखो ये जो सेवन्थ है ये इससे रिलेट करता है, ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ, ठीक है, और ये रिलेट करता है बिल्कुल स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी वाले ग्राफ से, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। तो ये देख लो इंटेंसिटी बढ़ रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो वही है, समझ लो ये तो फिक्स होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ रही अगर इंटेंसिटी डिफरेंट है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट रहेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इंटेंसिटी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता। कर लोगे ये ग्राफ, ठीक है, ईजी है, तो इनको अच्छे से कर लो, ठीक है, बहुत सिंपल से ग्राफ है, बस समझ के आप करो, इनको रट्टा नहीं मारना ग्राफ्स को, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ आपसे पूछेगा, ठीक है ना, सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए बात नहीं होगी सिर्फ, ठीक है, कई बार इसके ऊपर आपका कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन चीज़ क्या डिपेंड कर रही है, किस पे नहीं कर रही है, किस चीज़ के बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें इसमें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो इसे कर लो नोट अच्छे से, ओके जी, थैंक यू।